हेलो गाइस, मेरा नाम रितेश और आज हम फिर से आ चुके हैं हमारी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को मैंने पहला पार्ट बना चुका हूं और आप शायद से वो देख सकते हैं। आप देख लीजिए, मैंने उसे पहले बनाया था जब मैं वॉइस ओवर नहीं करता था, लेकिन ये मेरी माइनक्राफ्ट की पहली वॉइस ओवर वीडियो है। प्लस इस वर्ल्ड का टॉपिक होने वाला है कि माई फर्स्ट वर्ल्ड। वैसे भी आप जानते हैं जो और मेरा फर्स्ट वर्ल्ड करा हुआ, पर मैं आपको क्या बताऊं, लाइक क्रिएटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने कुछ बनाया था, छोटी मोटी चीज़ दिखाई थी, पर इस बार मैं उनको मिला के सारी चीज़ें और दिखाऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्यूट सा घर है, वो ऊपर मकड़ी को ग्रो करूँ। ये मेरा क्यूट सा घर है जहाँ पर मैंने एक मॉडर्न बेड बनाया था। मैंने यहाँ पर बहुत डेकोरेशन करी थी, आर्मर स्टैंड वगैरह के, पर मैंने एक बार लिख दिया था स्लैश के लोग प्लीज, और मैं तो मेरी सारी फोटोज और मेरे आर्मर टूट गए। दूसरी चीज़ आप बाहर निकल दिखाता हूँ, उसके घर के पूरा टूट देंगे हम। ये पहले मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ। ये है मेरा पहला घर। ये मैं एक्चुअली पहले माइनक्राफ्ट खेलता नहीं था, मतलब मोबाइल यूज़र था, तो मैंने लोकी क्राफ्ट खेलता था। लोकी क्राफ्ट से इंस्पायर होकर मैंने घर बनाया। मैं उसमें भी यही घर बनाया था, इस बार मैंने इसमें भी वही घर बनाया है। स्नो इसलिए बड़ी है क्या, स्नो को मैंने पॉन करे थे। तो ये मैंने चल उसमें फायर चलते हैं, और ये मैंने के लिए आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर है ग्लास, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, बस इसलिए हवा में रखे हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ पर बैरियर। ओके, यहाँ पर मैंने कारपेट रखी थी, पर एक बार मैंने पानी डाल दिया तो सारे कारपेट हट गई। चलिए, ये मेरी कुछ सीक्रेट एंट्रेंस है। यहाँ पर जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप कुछ नहीं है, लेकिन उसी तरफ हम दूसरी जगह पर जाएँ, तो यहाँ पर जाएंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे क्या, कि हम जैसे इसके अंदर जाएंगे हम एक सीक्रेट एंट्री में जाएंगे। और एक्चुअली मेरा टाइम पास था, मैंने कुछ नहीं बनाया था। ठीक है, तो पहले हम लाइटर पहन लेते हैं, जल्दी करना है ब्रो। ओ, मैं यहाँ पर ये लाइटर यूज नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, चलो सबसे क्या लगा रखे हैं, सोल शैंड। और ये रेलवे रूट्स मैं पार्ट 3 में आपको दिखाऊंगा। इस बार मैं रेलवे रूट्स आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो लोग को इंटरेस्ट होता नहीं है। रेलवे रूट्स आएगा बहुत दिनों बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा पेपर ख़त्म हुआ है और मेरा दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बहुत कम बना पाऊँगा। अगली चीज़, अभी कुछ दिनों पहले हमारा रिपब्लिक डे आया था, उस दिन मैंने ये कुछ टाइम पास करने के लिए बना दिया था। पहला, और आप ध्यान से डिटेल नोटिस करें तो ये है तिरंगा, इट्स टू, बट मैंने हर जगह ही थीम दे दी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया। चलो, और ये मेरा पहला घर था, ये मेरा पहला घर था जहाँ पर मैंने आप विलेजर्स को एंट्री दे दिया है, और देख ही सकते हो। मैंने कुछ ज़्यादातर इसमें क्रिएटिव से लिया, कुछ कुछ ग्राइंड करा है, मतलब सिंपल मैंने सारी चीज़ ग्राइंड करी है, लेकिन क्रिएटिव से मैंने सारा स्ट्रक्चर्स बनाया है। अब आपने मेरा घर तो देख लिया, तो साइड में लावा भी लगा रखा है, डोर डोर मार रही है, मैं डोर देता हूँ और डोर चला गया। उसके बाद ये है मेरा डॉग का हाउस। जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैंने पहले स्लैश के लिए एंटिटी कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे सारे डॉग्स मारे गए थे। दुख तो लगता है, पर मैं इस बार मैं डॉग्स को क्रिएटिव चलाने वाला हूँ। ओके, वो आपको पार्ट 3 में दिख जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें आप और हम साथ में खेल सकते हैं। मैं उसकी आईपी आपको भेज दूंगा उस सर्वर की। और ये तो आपको मैंने दिखाई दिया था, ये रेलवे लाइन से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर माइंड कार्ड्स रख रखे हैं नीचे वाले चेस्ट पे, देखिए। और मेरे टोटल 3 लाइन्स हैं, चलो एक बार बता ही देता हूँ। ये वाली लाइन हमारे बाजू वाले विलेज की है, थोड़ा दूर है। ये वाली लाइन मैं खुद भूल गया, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन किस चीज़ की थी, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। सॉरी, एक्चुअली में 4 लाइन है। ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन मेरे ओशन के पास वाली लाइन है, जिसमें जिससे हम जल्दी ओशन ओशन तक पहुँच सकते हैं,
यहाँ पे क्रीपर फूटा था इसलिए एक्टिवेट नहीं है, मैं आपको बाद में कर दूंगा। आपको पहले दो लाइन तो बता दी कौन सा कहाँ जा रहा है, तो बाकी पीछे जो दो लाइन है ये जाता है, येली लाइन जाती है मेरे वर्ल्ड के जहाँ मैं पहली बार स्पॉन हुआ था उस पर, और जो येली लाइन जाती है ये जाती है मेरे सीक्रेट नेदर पोर्टल तक, ठीक है। और ये मेरे कुछ क्रिएटिव के कारनामे, जैसे कि ये तो मैंने सर्वाइवल बनाया था, डेकोरेट करा है, लेकिन ये नेदरराइट बॉक्स आप देख चुके हैं और आप समझ सकते हैं इतने भी कंस कहाँ से आए हैं। और ये मैंने अपने घर में होम मेड मतलब इग्नोर करेगी पर ये होम मेड है एंड पोर्टल, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी मेरी लाइन कमज़ोर है, वो छोड़िए आप। उसके बाद ये देखिए मेरा बाकी विलेज, एक्चुअली ये मॉक्स पॉलर मैं इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर मैंने विलेजर भर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे विलेजर ज़ॉम्बी खा जाते थे और गोलम बहुत कम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो मैंने उसका जुगाड़ करने के लिए मना कर दिया। बट इस वीडियो पर अगर आप मेरे को 100 लाइक्स दे दें, बस 100 लाइक्स, 100 भी चलो, आप मेरे को बस 70 लाइक्स दे दीजिए तो मेरा एक सर्वाइवल वर्ल्ड है मल्टीप्लेयर, मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, जिसमें आज ही मैंने रिसेंटली एक आयरन फार्म बनाया है और मेरा नेदरराइट आर्मर भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी वीडियो में पहले नहीं, पर मैं आपको फिर से ग्राइंड करके दिखा दूंगा, ओके। ये सब आपने देख लिया है और अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक सिंपल मतलब एक बिना क्रिएटिव के, क्रिएटिव के तब समझ सकते कौन सा क्रिएटिव है कौन सा बिना क्रिएटिव का। ये जो है ये है क्रिएटिव से, ये मैंने एक वेल बनाया था और नीचे मैंने बीकन लगा रखे हैं, और आप सोच रहे होंगे लैंप क्यों नहीं चल रहे, मैंने ऊपर लेट लाइट सेंसर लगा रखे हैं, जब रात होगी अपने आप चलेगी। आपको दिखाऊं लेस अभी करके दिखाता हूँ, अभी तो नहीं हो रहा, मैं आपको सच इसमें कोड चेंज हो गया, मैं आपको वो भी बाद में दिखा दूंगा। तो ये है मेरा वेल और नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, बस बीकन है और उसको चारों तरफ डेकोरेशन के लिए डिस्पेंसर लगा रखे हैं, और ये मेरे डे लाइट सेंसर। चलो और मैं इसको डे पे कर दूँ तो देखिए लैम्प डे पे चलेगा, एक लैम्प जला होगा देखिए जला, और अगर मैं इसको वापस नाइट पे कर दूँ तो अभी बंद हो जाएगा और वो नाइट पे चलेगा। और ये है मेरी खुद की मेहनत से बनाया हुआ, नो चीटिंग, मतलब क्रिएटिव से नहीं करा मैंने खुद सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिक वीट फार्म देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर मैंने रेडस्टोन कर रखी है और इट्स यहाँ पर एक पानी पानी का ट्रैप पानी डाल के ट्रैप डोर भर रखा है, अगर मैं इस वाले लीवर को पुश करूँ तो सारा पानी उठेगा, मेरी सारी बेटी यहाँ आके इस चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगी, लेकिन ओ छोड़िए उसको इग्नोर करिए, तो यहाँ पर मेरा कलेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये पानी बहुत दिक्कत देता है, पानी को हटा देंगे, अब आपको और दिखाते हैं। अरे अभी सच लीक चल रहा है, मैं इसका फ्लाई ऑफ कर रखा है अच्छे। हाँ यहाँ तक आपने देख लिया है और बाकी हम आपको दिखाते हैं, ये भी बहुत सारे लैम्प्स में कुछ डेकोरेट करे हैं पर इसमें भी लाइट सेंसर लगा है। प्लस ये था मेरा हॉर्स का, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन हॉर्स और सिंपल हॉर्स वगैरह रखा करता था मैं, वो ने ये सब मैंने खुद मैंने बनाया, हॉर्स मैंने खुद खुद मैंने कलेक्ट करा था, लेकिन मैं आपको वजह से पहले बता दिया था, मैंने आइडेंटिटी करा था, इसमें सारे माउस और मर गए। अब आपको अपने वर्ल्ड का स्पॉन्सर करवाता हूँ जिससे मैंने देखा, चलो मैं आपको रेलवे लाइन दिखाई देता है, एक तो देख लो, ये है मेरा वर्ल्ड का स्पॉन पॉइंट, ये रहा। अब आप पूछेंगे वो गुफा कैसे बनाई, वो एनी ड्रैगन आउट आया था उसने ये सब तोड़ दिया, तो ये था मेरा प्यारा सा वर्ल्ड क्रिएटिव का। बाकी ये हमारा बाजू का विलेज है और बाकी रेलवे लाइन का डिस्कवर करेंगे, तो
बाय बाय। चलिए एक सेकंड और हम साथ में करेंगे, अभी के लिए बाय बाय।